फ्रंट पुली हमारी ओनली, ये पुली हमारा जो फैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ना कि इसके आरपीएम को बढ़ाने के लिए। वैक्यूम पाइप के माध्यम से जो भी इसमें एक्स्ट्रा जो कचरा होता है, विड्स होता है, उसको ऐसे उठा के और ये बाहर फेंक देता है। माल गीला होता है तो यहाँ पे इसमें ना माल पसने लग जाता है, ज़्यादा जाम हो जाती है थ्रेशर, तो उसके लिए हम इसको ऊपर कर देते हैं इसको, और यहाँ से हमारे जो भी इसके अंदर वीड से एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ से निकल के हमारे इसके अंदर बकेट में आ जाते हैं और वो दोबारा थ्रेशिंग के लिए ऊपर लेके चले जाते हैं। ड्रम की स्पीड के लिए हमने यहाँ पे दो सेटिंग दिया हुआ है। ये है रीथ्रेशिंग के लिए, जो आपका वीड्स होता है उसमें जो दाने वगैरह होते हैं उसको यहाँ पे हम डाल के उसको रीथ्रेशिंग कर सकते हैं। ये इसके माध्यम से हम गियर का लेवल चेक कर सकते हैं, यहाँ से हमें ऑयल डालना है। 18 क्विंटल प्रति घंटे की ये हार्वेस्टिंग करता है, रहता है, जिसको हर आदमी जानना चाहता है कि इसकी कीमत क्या है। 80% तक लोन हो जाता है, 1 लाख रुपए के आसपास की सब्सिडी इसमें मिलती है। वो मेरा नाम अनुराग शर्मा है, मैं एज अ टेरिटरी मैनेजर चित्तौड़गढ़ देखता हूँ, और मैं महिंद्रा कंपनी में पिछले 5-7 सालों से काम कर रहा हूँ। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को महिंद्रा कंपनी की थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। महिंद्रा कंपनी को जैसे कि सभी लोग जानते हैं, ट्रैक्टर के क्षेत्र में पिछले 40 सालों से अग्रणी कंपनी है। इसके साथ साथ हम लोग जो इम्प्लीमेंट कस्टमर को देते हैं, वो एक भरोसा है महिंद्रा कंपनी का। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक वारंटी पॉलिसी अच्छी मिलती है, आपके नियरेस्ट एक एरिया में अप्रोच होती है, आपको बाद में सर्विस की बात करें तो एक अच्छे नेटवर्क के माध्यम से सर्विस मिलती है। तो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे हमारे धरती मित्र थ्रेसर की, जो कि महिंद्रा कंपनी ये धरती मित्र थ्रेसर आज आपके सामने लेके आई है। और ये हमारे चित्तौड़गढ़ ज़िले में आप मानो कि धरती मित्र थ्रेसर अब हमारे क्षेत्र में मिलने के लिए उपलब्ध हो चुका है। हालांकि ये थ्रेसर हम काफ़ी लंबे समय से बेच रहे हैं, करीब 3-4 सालों से हमने किसानों को दिए हुए हैं। बहुत अच्छे फीडबैक हैं, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है और अच्छे इसके फीचर्स हैं, जो हमारे अभी डिटेल में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ये हमारा थ्रेसर है, आप इसको अगर दिखा पाएँ तो इसको हम मल्टी क्रॉप थ्रेसर बोलते हैं। आपकी देसी भाषा में अगर आप कहोगे तो इसका नाम टोकरी वाला थ्रेसर बोलते हैं। मल्टी क्रॉप का मतलब ये हो गया कि लगभग हम जितनी फसलें करते हैं उनमें ज़्यादातर फसलें इसके अंदर कवर हैं, 2-3 फसलों को छोड़ करके, जैसे कि अरंडी है या मूँगफली है, उसको हम इससे नहीं कर सकते। बाकी आप इसके अलावा की जो फसलें होती हैं वो सभी फसलों के लिए ये थ्रेसर कारगर है। और इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कंपनी ने नया लगाया है और जो मार्केट के दूसरे थ्रेसर हैं उनसे अपने आप को अलग करता है, क्या इसकी वारंटी पॉलिसी है, इसके बारे में हमारे सहयोगी जो हैं साबिर जी, टेक्नीशियन हैं हमारे महिंद्रा कंपनी के, ये आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम साबिर हुसैन है, मैं एज ए टेक्नीशियन हूँ जो उदयपुर जो देखता हूँ पूरा। और आज हमने जो हमारे डुंगला तहसील में जो डीलर है यहाँ पे हमने आज P990 को लॉन्च किया है। इसमें हमने करीब 40 से 50 कस्टमरों को कवर किया है। तो हम बात करते हैं P990 पे, इस पर क्या क्या फीचर है, तो एक एक करके हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कस्टमर यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिंगल पुली यहाँ पे क्यों लगाई है, सिंगल बेल्ट क्यों है 3 पुली के ऊपर, क्योंकि अदर मॉडल के अंदर क्या होता है कि यहाँ से आरपीएम के लिए पुली होती है, जो अलग अलग श्रेणी के जो ट्रैक्टर होते हैं उनको अलग अलग आरपीएम की ज़रूरत होती है, तो उसी हिसाब से वो अपनी अपनी पुली पर चेंज करते हैं। तो हमारा जो P990 का जो मॉडल है, इसके अंदर हमने क्या किया, जो फ्रंट पुली हमारी ओनली, ये पुली हमारा जो फैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ना कि इसके आरपीएम को बढ़ाने के लिए। इसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा जो फाइनल जो ग्रीन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पाइप दिया है। वैक्यूम पाइप के माध्यम से जो भी इसमें एक्स्ट्रा जो कचरा होता है, विड्स होता है, उसको ऐसे उठा के और ये बाहर फेंक देता है। और अगर यहाँ से कई बार कहीं दाना भी उठने लग जाता है, कहीं दाना फेंकने लग जाती है, तो उस आधार पर हमें इसको सेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये दाना ना उठाए, ओनली अपना विड्स उठा के बाहर फेंक दे। जो लीवर है इसके माध्यम से इसको ऊपर नीचे करके इसको सेट करना रहता है। और हमारा इसमें रीथ्रेशिंग पाइप है, ये अदर कंपनियों के पास नहीं है। रीथ्रेशिंग क्या होता है कि हमारा जो भी वीड्स के साथ जो ग्रीन लॉस आते हैं वो इस पाइप के अंदर आते हैं और यहाँ से हमारा पीछे टोकरी में चला जाता है।
वो टोकरी में जाके यहाँ पे वो जितने भी वीड्स और ग्रीन लॉस है वो यहाँ आके वापस रिथ्रेशिंग के लिए अंदर चले जाते हैं, तो जो भी उनके जो लॉस होते हैं वो ना हुए इसलिए हमने यहाँ पे रिथ्रेशिंग का पाइप दिया हुआ है, इससे रिथ्रेशिंग होती रहती है। जो भी वीड्स के साथ हमारे जो दाने आते हैं वो दोबारा रिफाइन के लिए हमारे टोकरी में आ जाते हैं और दोबारा से वो थ्रेशिंग हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें एक और अच्छा फीचर है जो सेफ्टी फीचर बोलते हैं इसको, क्योंकि जो कटर वाली मशीन होती है कटर में हमारे एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसमें एक एक बंदा हाथ से मारता है धक्का देता तो उसमें कहीं हाथ चला जाता है, तो हमारा यहाँ पे ये सेफ्टी फीचर है। टोकरी मॉडल में कहीं एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं है। दूसरा हमने यहाँ पे एक लीवर भी दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे माल फंस जाए या किसी का कोई चोट आने लगे तो हम इसको बंद कर सकते हैं, इससे क्या रहेगा कि मशीन हमारा न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे कहीं नुकसान होने से वो बच जाएगा। और इसी तरीके से अगर ट्रैक्टर पे लोड भी आता है तो वहाँ से भी हम इसको बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारा ये इसमें एक और फीचर ऐड किया हमने, जो कि माल गीला होता है तो यहाँ पर इसमें ना माल फंसने लग जाता है, ज़्यादा जाम हो जाती है थ्रेशर, तो उसके लिए हम इसको ऊपर कर देते हैं इसको, और यहाँ से हमारे जो भी इसके अंदर वीड्स से एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ से निकल के हमारे इसके अंदर बाकेट में आ जाते हैं और वो दोबारा रिथ्रेशिंग के लिए ऊपर लेके चले जाते हैं। दूसरा हमने एक और इसके अंदर ये अलग से सिस्टम दिया है, एक कैम सिस्टम है, जो भी हमारे यहाँ पे वीड्स इकट्ठा होता है गीला माल होता तो एक जगह इकट्ठा हो जाता, तो उसके लिए हमने एक पुली लगाई, पुली के अंदर एक कैम लगाया, तो कैम क्या करते हैं जो माल एक्स्ट्रा होता है उस माल को घुमा के और पूरा चन्ने के ऊपर बिखेर देती है और अच्छी तरीके से हमारा जो माल है वो क्लीन हो जाता है। दूसरा हमारा जो ये ड्रम है, ड्रम की स्पीड के लिए हमने यहाँ पे दो सेटिंग दिया हुआ है जो कि इसके RPM को कम ज़्यादा करती है, हमारे जो ड्रम स्पीड इसके RPM को कम ज़्यादा करती है। ये हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो हमारा जो चने वगैरह और सोयाबीन होता है वो टूटने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या है ड्रम की स्पीड कम करना पड़ती है, तो ड्रम की कम स्पीड करने के लिए हमने यहाँ पे दो पुली दी है, तो इसके आधार पर हम 500 से 1000 RPM इसके कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा अलग से फीचर है और हमारी मशीन के अंदर ये सेफ्टी फीचर दिया है, कोई भी कस्टमर काम करता है उनके गले में कोई साफी होती है, कोई लेडीज़ काम करती है तो साड़ी होती है, तो वहाँ पर कहीं उनके चोट नहीं लगे इसलिए हमने यहाँ पे इसको कवर किया हुआ है, ये कवर है इसमें। और एक और हमारा ये है रिथ्रेशिंग के लिए, जो आपका वीड्स होता है उसमें जो दाने वगैरह होते हैं उसको यहाँ पर हम डाल के उसको रिथ्रेशिंग कर सकते हैं। और हमारा एक और ये लीवर है यहाँ पर फैन के अंदर, जो कि ग्रेन लॉस हो रहा है भूसे के साथ जो दाना जा रहा है उस दाने को कवर करने के लिए हमने यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम उसको सेटिंग करके हमारा जो ग्रेन लॉस होता है उसको हम यहाँ से बचा सकते हैं। और ये एक सेटिंग हो रहा है यहाँ पे, जो आपका फाइनल रिडक्शन में जो ग्रेन आता है आपका दाने वगैरह आता है इसमें अगर कुछ कचरा आ रहा है तो यहाँ से एक लीवर दिया हुआ है, इस लीवर के माध्यम से हम उसकी हवा को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके आधार पे आपके जो दाने हैं उस दानों के अंदर कचरा नहीं आए, तो ये क्लीन करने के लिए हमने इसमें एक फैन लगाया हुआ है, तो यहाँ से हम इसकी कम ज़्यादा हवा कर सकते हैं। और ये हमारा जो मॉडल है P990 मॉडल है और इसकी अभी काफ़ी हमारे मार्केट में डिमांड आ रही है, सीजन के टाइम हमें उपलब्ध नहीं होता है तो अभी हम एडवांस में डीलरशिप पे स्टॉक रख रहे हैं, सभी डीलरशिपों पे हर डीलरशिप पे हमारे 2 से 3 मशीन अवेलेबल है। हमारा जो ये थ्रेशर है P990 इसमें हमने गियर बॉक्स से नीचे दिया हुआ है, क्योंकि आगे से जो इसके आउटपुट शाफ्ट है वो यहाँ पे लगी हुई है नीचे और इसके माध्यम से हमें यहाँ पे स्पीड मिलती है। और हमारा जो ये गियर बॉक्स है ऑयल टाइप का गियर बॉक्स है, इसमें ऑयल फिल करने के लिए हमने यहाँ पे एक ये कैप लगाई हुई है, इसके माध्यम से हम गियर का लेवल चेक कर सकते हैं, यहाँ से हमें ऑयल डालना है। दूसरा इसके अंदर हमने अभी एक और नया फीचर ऐड किया है, ये पहले नहीं था, यहाँ पे हमने इसमें पर्दे दिए हुए हैं। ये पर्दों का क्या काम होता है कि जो आपका भूसा है भूसे को बारीक मोटा करने के लिए यहाँ से हम इसमें एक सेटिंग दिया हुआ है, तो इसको कम ज़्यादा हम करके और इसका गैप बढ़ा सकते हैं, इसके माध्यम से इसकी जो कटिंग है वो कम ज़्यादा हो सकती है और भूसा जैसा कस्टमर को चाहिए उस तरीके का भूसा हमारी मशीन बना सकती है। हमारे टायर है इसके अंदर ये 916 का है, मशीन का जो हमारा वेट है ये 3000 किलो का वेट है, तो काफ़ी अच्छा हमने अच्छी क्वालिटी की इसमें चादर यूज की हुई है। और इसकी जो वारंटी है हम 6 महीने की डेट ऑफ डिलीवरी से 6 महीने की वारंटी देते हैं,
तो उसमें कस्टमर को ज़्यादा कोई समस्या आती नहीं है और टाइम टाइम पे उसको सर्विस मिलती रहती है, क्योंकि हमारा जो महिंद्रा का नेटवर्क है काफ़ी अच्छा नेटवर्क है और हम उसको टाइम टाइम पे सर्विस और कंप्लेंट जो भी आती है वो हमारा आदमी को जाके प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि अभी बताया कि इसकी जो वेट है वो करीब 3000 किलो है, जो कि 30 कुंतल के आसपास हो गया, 30 कुंतल हो गया। और इसमें जो हम फसलें लेते हैं, जिन जिन फसलों की हार्वेस्टिंग करेंगे, उसमें अगर बात करें गेहूं की, तो गेहूं का तकरीबन 15 से 18 बोरी या ये कहो 15 से 18 कुंटल प्रति घंटे की ये हार्वेस्टिंग करता है। चने की बात करें तो वो भी लगभग 18 से 20 कुंटल प्रति घंटे की निकलती है। जो भी फसल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि खेत में पैदावार किस लेवल की हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर फसल कमज़ोर होगी तो उसमें क्या है कि जो फसल के दूसरे पार्ट होते हैं वो ज़्यादा रह जाते हैं, इवन उसमें जो दाना है वो कम निकलता। लेकिन एवरेज की अगर अपन बात करें तो 15 से 18 कुंतल के करीब हमारा एक घंटे का इसका एवरेज निकलता है। इसको चलाने के लिए करीब आपको 44 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो है सही रहता, बाकी इसके ऊपर का कोई भी आपका रहेगा वो ट्रैक्टर के लिए सफिशियंट है। एक्चुअली मैं वैसे मैं महिंद्रा के इम्प्लीमेंट को ख़रीदने की बात इसलिए ज़्यादातर लोगों को कहूँगा कि अगर आप महिंद्रा का ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो महिंद्रा कंपनी का इम्प्लीमेंट आपको एक सुटेबल आरपीएम मैचिंग के हिसाब से मिलता है। हमने ये थ्रेसर बनाया, इसमें हमारे जो आरपीएम है, जब आपका ट्रैक्टर 540 आरपीएम देता है तो करीब ये 750 आरपीएम की रिक्वायरमेंट है इसकी, तो वो क्या है कि हमें कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। बाकी जो मार्केट के अंदर थ्रेसर आते हैं वो थ्रेसर एक ओपन मार्केट के हिसाब से बनता है कि उसका बना हुआ थ्रेसर उसको खुद को नहीं पता है कि वो आइसर के पीछे चलेगा, जॉन डियर के पीछे चलेगा, फार्म ट्रैक के, मैसी के, किसके पीछे चलेगा। इसलिए वो लोग क्या है एक आइडियल आरपीएम पे बना के देते हैं, फिर हमें वहाँ पे पुली चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक ट्रैक्टर में पुली के जो आरपीएम आते हैं वो कहीं अप डाउन रहते हैं। तो इसमें हमें ये कि हमें किसी भी तरह का महिंद्रा ट्रैक्टर से चलाने के लिए कोई भी पुली का अल्ट्रेशन नहीं करना, कोई बेल्ट नहीं बदलनी है, आपके जो आरपीएम वहाँ से निकल रहे हैं 540 उससे एकदम प्रॉपर परफॉर्मेंस देता है। इसकी अब बात आती है सबको जो अंत में एक सवाल रहता है जिसको हर आदमी जानना चाहता है कि इसकी कीमत क्या है। अभी आज के समय में जो अब आने वाला आगामी समय है उसमें ये करीब थ्रेसर आपको मिलेगा 5,25,000 से 5,50,000 के बीच में, और इसकी जो वारंटी है वो एक सीजन की वारंटी कंपनी देती है 6 महीने की, क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपको पहली जो फसल आप जो लेंगे जो पहला सीजन आएगा उसमें आपको पता लग जाता है। तो कंपनी इसकी 6 महीने की वारंटी दे रही है आपको, और आज के समय में अगर आप देखेंगे मार्केट में जितनी भी कंपनी आ रही हैं उनमें ये सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देता है। महिंद्रा कंपनी का ISO सर्टिफाइड ये थ्रेसर है और इसका जो नाम है वो धरती मित्र के नाम से है। इसको महिंद्रा पूरी तरीके से मार्केटिंग महिंद्रा के थ्रू होती है, जिसमें इसकी सर्विसेज की जिम्मेदारी पूर्णता महिंद्रा कंपनी की है। मैं सभी किसान बंधुओं से यही गुजारिश करूंगा कि जब भी कभी थ्रेसर लेने का विचार बने तो एक बार महिंद्रा कंपनी के डीलर के पास जाकर के महिंद्रा कंपनी के थ्रेसर के बारे में जानकारी जरूर लें, उसके बाद में आपका जो विचार बनता है। एक और चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया, हमारे इस कंपनी के थ्रेसर में आपको 80% तक का फाइनेंस मिल जाता है। जो फाइनेंसर हैं, जैसे कि मानो थ्रेसर की कीमत 5.5 लाख रुपए है, तो आप में आपको इसका 80% तक लोन हो जाता है, और ये 80% लोन के साथ साथ इसमें सब्सिडी के लिए भी, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है, राजस्थान गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उसके लिए भी हमारा थ्रेसर रजिस्टर्ड है। तो वहाँ से जो भी 1 लाख रुपए के आसपास की सब्सिडी इसमें मिलती है वो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे सब्सिडी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए है तो भी आप थ्रेसर के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि 80% तक का आपको लोन मिल जाता है। ये जो है सुविधा दूसरे मार्केट के थ्रेसर में नहीं मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी कभी आपका थ्रेसर लेने का विचार बने आप अधिकतम लाभ ले सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा कंपनी हमेशा किसानों के हित की बात सोचती है। और थ्रेसर जैसे कि कॉमर्शियल चीज़ है, अगर आप इसको लेके जाएंगे तो आपको ये थ्रेसर उतना कमा के दे देगा कि आप बहुत आसानी से एक सीजन में किस्त भर सकते हैं। 6-6 महीने की किस्तों के माध्यम से आपको इसका पैसा चुकाना होता है, जो कि 5 साल तक अधिकतम पीरियड के लिए आपको लोन प्रोवाइड कराती है कंपनी। धन्यवाद।